हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो, आज TGT PGT की रिवाइज जो है आंसर की आई है, उसके रिगार्डिंग KVS ने नोटिफिकेशन भी निकाला है। देखो, एक्चुअली हुआ क्या था, TGT PGT की ना KVS ने रिवाइज आंसर की नहीं निकाली थी, डायरेक्टली PDF दे दी थी जो भी बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जिन बच्चों, जैसे जो कट ऑफ है मान लो 135 गई है और कुछ बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं 138, 140, तो इस हिसाब से तो उनका नाम इंटरव्यू में होना चाहिए था ना, इंटरव्यू की कट ऑफ में, लेकिन नहीं, उनका नाम इंटरव्यू की कट ऑफ में नहीं था। तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने ये सब सारी चीज़ें KVS पर बोला कि मतलब ऐसे ऐसे हमारे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं और कट ऑफ कम पे गई है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इस वजह से आज KVS ने रिवाइज आंसर की निकाली है। इसी वजह से आज ये भी बोला जा रहा था, अभी तक मतलब ये बोल रहे थे कि जो KVS PRT है उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। देखो, KVS प्रिंसिपल की, PRT म्यूजिक की, सबकी आंसर की आई थी। और जब हम कोई भी पेपर हो, चाहे आप SSC ले लो, चाहे DSSSB ले लो, चाहे आप KVS ले लो, कोई भी हो, अगर हम क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए देते हैं ना कैंडिडेट्स को कि आप क्वेश्चंस को चैलेंज करो, जो गलत है आप उनको दो, तो उनको ना रिवाइज आंसर की निकालनी ही पड़ती है। तो KVS ने जो ये काम अब कराया ना, इनको बहुत पहले ही करना चाहिए था। TGT PGT की कट ऑफ देने से पहले इनको रिवाइज आंसर की निकालनी चाहिए थी, सो दैट रिवाइज आंसर की में हमें ये पता चल जाता है कि KVS ने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं या कितने क्वेश्चन गलत करे हैं, तो हम जो है अपने मतलब TGT PGT के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से ठीक कर पाते कि कितने मार्क्स हमको इंक्लूड करने हैं, कितने मार्क्स हमको घटाने हैं। इस वजह से अभी बच्चों को ठीक से आइडिया ही नहीं हो रहा था कि मीन्स उसके मार्क्स बन कितने रहे हैं, फिर कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई और जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा लग रहे थे उनका नाम ही नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वो KVS PRT और TGT PGT की जो कट ऑफ है रिवाइज आंसर की अब निकली है। अब चेक होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, अब देखते हैं कि फिर क्या होता है, बट इस वजह से ऐसा नहीं है कि KVS PRT की जो रिवाइज आंसर की है नहीं आएगी, नहीं, बिल्कुल आएगी। और KVS PRT में ही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें लाखों में बच्चों ने पेपर दिए है ना, बहुत सारे पोस्ट में पेपर हुआ है, लेकिन KVS PRT की पोस्ट ऐसी है जिसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं तो कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, BEd वाले भी हैं, DLED वाले भी हैं, लाखों के नंबर में बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं की कितने बच्चों ने अप्लाई करा था कि ये कितने बच्चों ने पेपर दिया है, अभी हमें ये नहीं बताया कि कितने बच्चे पेपर के टाइम पे प्रेजेंट थे, लेकिन आपको इसमें ये बताया हुआ है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मींस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5000 नौकरियों के लिए 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। 5 लाख भी क्यों, अगर आप थोड़ा सा डेटा इंक्रीज़ कर लोगे तो ये 6 लाख ही हो जाएगा। बट यस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चों ने पेपर दिया था। आपको स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है ना, ये वो डेटा है जो जितने डेटा के लिए एडमिट कार्ड इशू किए गए थे, मीन्स जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ होगा फॉर्म, जिनका रिजेक्ट फॉर्म सही रहा होगा, उन्हीं बच्चों के तो एडमिट कार्ड इशू करे होंगे। तो उन बच्चों के एडमिट कार्ड इशू करे हैं, कितने एडमिट कार्ड इशू करे हैं, तो वो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी दिया हुआ है, प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर म्यूजिक का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो मेन जो हमारा रिजल्ट अभी रहता है वो है प्राइमरी टीचर का, तो हम एक बार उसको डेटा देख लेते हैं, सो दैट हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कितने बच्चों ने पेपर में फॉर्म भरा था, कितने बच्चे हैं हमारे साथ कॉम्पिटिशन में। बाकी अभी जो DLED वर्सेज़ BEd चल रहा है, अभी उसका भी रिजल्ट आना है कि क्या होगा क्या नहीं, तभी कोई फाइनल डिसीजन ले पाएगा KVS, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था KVS का तो आपने देखा होगा, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि ये BEd वाले इंक्लूड होंगे या नहीं, वो कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद ही बता पाएंगे। बट फिर भी अभी वो हैं साथ में तो उनको इंक्लूड करके चल रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने भी पेपर दिया है ना। तो प्राइमरी टीचर में अगर आप EWS कैटेगरी देखो तो अप्रोक्स 51,000 ने फॉर्म भरा है EWS कैटेगरी से, यानी अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो भी आपको 51,000 लोगों से फाइट करनी है जितनी भी आपकी वैकेंसीज होगी उसके रिगार्डिंग। फिर ऐसी OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,48,000, मीन्स करीब 2.5 लाख बच्चे OBC से हैं। SC से हैं करीब 1,12,000 बच्चे, ST की कैटेगरी के हैं 15,000 बच्चे, और जो अनरिजर्व हैं वो हैं करीब 1,70,000, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है। तो मींस देखो, OBC में 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, सबसे ज़्यादा है OBC कैटेगरी के बच्चे। तो आपके जो एट दी एंड फाइनल जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वो बन रहा है करीब 6,597,444, 6 लाख फॉर्म करीब भरे गए हैं। सोचो, वैकेंसी हैं 5,000 और 5,000 के लिए 6 लाख बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ
तो फिर थोड़ी सी हाई जाने ही वाली है ऑब्वियसली। आई नो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अभी भी अफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत फ़र्क पड़ेगा पेपर लीक होने का, अलग अलग शिफ्ट होने का, कहीं ईजी कहीं टफ़, बीएड वालों का इंक्लूड होने का। बट यस, टीचर अगर आप प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की देखो तो 134-32 गई है जनरल की, है ना, 134 गई है, तो इसमें करीब EWS में सिर्फ मतलब देख लो 1200 ने फॉर्म भरा था, OBC में करीब 5000 ने फॉर्म भरा था। बेसिकली हम ये देख लेते हैं इसमें फॉर्म भरे गए हैं करीब 16752, मीन 17000 करीब फॉर्म भरे गए हैं। इनकी वैकेंसी भी लेकिन कमी थी तो फिर भी 17000 बच्चे थे, इसी वजह से कट ऑफ हाई गई है। बाकी अभी KBS PRT का देखते हैं क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर हुआ है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का भी अफेक्ट पड़ेगा। फिर इसमें आपको नीचे है व्हाट इज़ टोटल अटेंडेंस इन SSA एग्ज़ाम 2023, SSA का जो एग्ज़ाम हुआ है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, इसमें कितनी अटेंडेंस थी। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल अटेंडेंस इन PRT एग्ज़ाम। तो अभी इन्होंने बोला है कि जो अभी परिणाम प्रक्रियाधीन है, मीन्स अभी चल रहा है, इससे हम जानकारी नहीं दे सकते। अभी रिजल्ट ही चेक हो रहा होगा, जो हमारी आंसर की है वो मैच करी जा रही होगी, कितने क्वेश्चन गलत है या नहीं वो देखा जा रहा होगा, कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, कितने मार्क्स बढ़ने इंक्रीज़ करने, ये सब चल रहा होगा। इस वजह से अभी जो अभी हमें बता नहीं सकते कि कितनी अटेंडेंस थी, बट मेन यही है कि 600,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है PRT का। बट अब अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो मीन 10-15 दिन के अंदर ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है या कैसे क्या प्रोसेस है KBS का, ठीक है।